नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने वर्तमान में नया नया ट्वेल्थ पास किया है। अब वो किया कैसे, वो एक अलग पैटर्न है और उनकी रुचि के हिसाब से उनको कहाँ जाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों की, तो दोस्तों 12वीं के बाद जब बात हो ही गई है कि ये एक प्रकार का चौराहा है, तो हम उसे बात करेंगे कि इस चौराहे में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों जहाँ तक हमने बात कर ली कि अगर एग्रीकल्चर का विद्यार्थी है 12वीं का, तो उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों पहला ऑप्शन आता है उसके पास जेट। अब आप कहेंगे जेट हमें पता है, सबको पता है, ऑलरेडी सबको पता होता है। दोस्तों अब दिक्कत कहाँ आ जाती है, दिक्कत यहाँ आ जाती है कि आपको जेट पता है लेकिन आपने फॉर्म भरा या नहीं भरा। पहली बात तो यह है। तो अगर फॉर्म नहीं भरा है दोस्तों, तो बहुत जल्दी फॉर्म भर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि जेट एग्जामिनेशन इस साल कौन करवा रहा है, तो श्रीकर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर की जो है वो इस एग्ज़ाम को इस बार करा रही है। तो दोस्तों अगर हम इसके लास्ट डेट की बात करें तो 11 जून, यानी आपके पास एक या दो दिन ही बचे हैं इस एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने के लिए। ये लास्ट डेट पहले मई महीने में ही थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसको बढ़ाया गया। अब दोस्तों अगली बात करें हम कि क्या फीस होने वाली है। तो जिन विद्यार्थियों ने भर दिया उनको तो पता है, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने नहीं भरा या किसी कारणवश वो ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन का इंतज़ार कर रहे थे या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूँ कि अनरिजर्व्ड यानी आपके जनरल में जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं या फिर ओबीसी क्रीमिलेयर में जितने भी बंदे आते हैं या ओबीसी में जितने भी बंदे आते हैं, उनके लिए 2800 फीस रखी गई है। फीस की अगर हम बात करें एससी एसटी या अदर की, तो फिर उनको 1400 फीस आपको पे करनी है। अब दोस्तों आप बता दीजिए कि अगर बाय द वे आपकी 11 तारीख भी निकल जाए, निकलने नहीं देनी है, कोशिश कीजिए कि 11 से पहले पहले आप भरवा दें, लेकिन फिर भी आपकी तारीख निकल जाती है, तो एसकेएन यूनिवर्सिटी ने आपको 16 जून तक का टाइम दिया है। किस शर्त पे? शर्त ये रहेगी कि आपकी जो 2800 या 1400 फीस है उसमें आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी? तो आपको लेट फीस देनी है ₹500, और उसके साथ आप 16 जून तक आप फॉर्म भरवा सकते हैं। बात हो गई थी कि हम एग्ज़ाम कौन करवाने वाला है। अब बात दोस्तों आती है एग्ज़ाम की। यहाँ पर कहीं अटकलें लग रही है कि अभी तक जो एग्ज़ाम की डेट डाली है जेट की या यूनिवर्सिटी ने, तो 11 जुलाई को डाली है और अभी तक उसमें कोई संशोधन नहीं है। वर्तमान परिपेक्ष को देखते हुए और जितने भी एग्जामिनेशन आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, उनको देखते हुए कई बार कयास लगाए जा रहे हैं कि एग्जामिनेशन आगे खिसक सकते हैं, लेकिन इसकी अगर ऑथेंटिक जानकारी जब तक एसकेएन यूनिवर्सिटी नहीं पब्लिश करती है, तब तक कुछ भी कहना नामुमकिन है। तो आप तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सबसे पहले बताया जाएगा। और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म हैं, या आप खुद एसकेएन एयू 2000 जेट 2021 की वेबसाइट को सर्च करके आप इसके रेगुलर टच में रह सकते हैं। अब दोस्तों जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है या जो नहीं भर पाए, उनके दिमाग में ये रहता है कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। तो इस फॉर्म को दोस्तों एग्रीकल्चर 12वीं वाला बंदा यानी 12th जिसने एग्रीकल्चर से किया वो भर सकता है। अब दोस्तों उसके बाद बात आए कि एग्रीकल्चर के अलावा भी कोई भर सकता है। भर सकता है कौन? बायो वाले, जिन्होंने बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स ले रखी थी, वो एग्रीकल्चर के साथ जेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है क्लियरेंस की दोस्तों, कि मैथमेटिक्स वाले बंदे क्या अलाउ होते हैं? होते हैं, लेकिन कब? केवल एकमात्र कॉलेज जो है राजस्थान की डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज, उसी में उनको एडमिशन मिलता है, इसके अलावा अलाउ नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया एग्रीकल्चर। केवल एग्रीकल्चर वाले आपके अलाउ हो जाएंगे, आपके बायोलॉजी वाले अलाउ हो जाएंगे, और मैथमेटिक्स वाले आपके अलाउ होंगे केवल आपकी डेयरी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए या डेयरी कॉलेज के लिए। उसके बाद दोस्तों अगली हम बात करें, ये हो गया जेट के बारे में। अब क्या सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है? तो सेकंड ऑप्शन हो सकता है दोस्तों आपके लिए वेटरनरी, क्योंकि एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट कह दीजिए, भले ही हम मंत्रालय की बात करें तो भी एक ही मंत्रालय है, दोनों डिपार्टमेंट अपने आप में पूरक हैं, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री अपने आप में एक पूरक हैं, तो एक ही शरीर के दो हिस्से कहा जा सकता है इसको। तो अगर एग्रीकल्चर का बंदा
अगर जेट की तरफ जाना नहीं चाहता है या उसका जेट में नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए, वेटरनरी 2 ईयर डिप्लोमा होता है ये, 2 साल का डिप्लोमा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी कई बार कन्फ्यूजन होते हैं। राजस्थान की एकमात्र वेटरनरी को यूनिवर्सिटी है राजुवास बीकानेर, जो हमने पिछले वीडियो में जब हमने यूनिवर्सिटीज़ पढ़ी थी, राजस्थान में यूनिवर्सिटी का इतिहास या कृषि यूनिवर्सिटी का इतिहास, उसमें हमने पढ़ा था। अब दोस्तों, उस राजुवास यूनिवर्सिटी 2 तरह के कोर्स करवाती है। एक करवाती है BVAC, यानी बैचलर इन वेटरनरी साइंस। दैट मीन्स जिस तरह आपका BMS डॉक्टर होते हैं, उसी तरह अगर पशु चिकित्सक के लिए कोई अप्लाई करता है तो BVAC होना आवश्यक है। अब उस BVAC के लिए साइंस बायोलॉजी वाले लड़के अलग होते हैं, 4 साल की डिग्री होती है, वो टेक्निकल डिग्री मानी जाती है। अब उसके बाद जब हम बात करें 2 ईयर डिप्लोमा की, तो 2 ईयर डिप्लोमा में क्या होता है दोस्तों, ये 12वीं AG वाले या बायो वाले, दोनों स्ट्रीम वाले लड़के 2 साल का एक डिप्लोमा कर सकते हैं। और जहाँ तक इसके आगे स्कोप या एग्री गवर्नमेंट जॉब की बात करें, तो LSA लाइफ स्टॉक असिस्टेंट या पशुधन सहायक की काफ़ी वैकेंसीज पिछले वर्षों में राजस्थान में निकली है, और भी चांसेज हैं कि आने वाले समय में इस तरह की वांट्स निकलेगी। तो दोस्तों, आप अगर इधर नहीं जा रहे हैं तो आप वेटरनरी की तरफ रुख कर सकते हैं। और वेटरनरी की मैं बात कर ही चुका था कि इसकी एकमात्र यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, राजुवास यूनिवर्सिटी बीकानेर है। अब दोस्तों, इसका बेस क्या होता है, जिस तरह जेट का बेस होता है, एग्जाम होगा, एग्जाम की मेरिट के आधार पर आपको कॉलेजें मिलेगी। यहाँ भी दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम हैं। आपकी चेटक सर्किल उदयपुर है, आपके नवानिया उदयपुर में है, उसके बाद आपकी बीकानेर में है, और इस तरह जयपुर में करके बहुत कम कॉलेजेज हैं जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं। उसके बाद दूसरी जो होती है वो प्राइवेट कॉलेजेज होती है। अब गवर्नमेंट कॉलेजेज का क्या फ़ायदा है दोस्तों, ये मैं बता दूँ, फीस नाममात्र की होती है। यूँ मान लीजिए 180 या 200 रुपीज़ मैक्सिमम पर ईयर, इतना ही अभी तक की फीस है। उसमें आपका जो पूरे साल का है वो कंप्लीट होता है, तो आप देख लीजिए। और इस यहीं अगर आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं तो आपको 40 से 50 हज़ार रुपये सालाना भी पे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इसका बेस क्या होता है, बेस होता है 12वीं के परसेंटेज। आप फॉर्म भरेंगे, आपके 12th के जितने परसेंटेज होंगे उसके आधार पर आपको वेटेज दिया जाएगा, आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट में जहां आप स्टैंड करते हैं उस आधार पर आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा और आपको कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। अब दोस्तों, उसमें थोड़ा सा फैक्टर है कि एज क्या होनी चाहिए। अब अगर एज में 2 फैक्टर लगते हैं, या तो अधिकतम या न्यूनतम। अब सबसे दिक्कत ये आती है कि अधिकतम एज में तो फिर भी कई बार छूट मिलती है, और मिलती ही है, लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ जब हम 12th करते हैं तो मोस्टली 18 ईयर का परिपक्व होना या 18 ईयर पूरे होना लगभग लगभग कैसेज में बहुत कम होता है। तो पहले तो ये 18 साल हुआ करती थी, लेकिन इसको वर्तमान में मिनिमम एज जो है इसकी वो 17 साल की गई है। और अगर मैक्सिमम एज की बात की जाए तो दोस्तों, इसको 28 वर्ष किया गया। अब अपर लिमिट में छूट की बात है, कहाँ तक के कैंडिडेट भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, SC ST OBC MBC के लड़के, ध्यान रखना दोस्तों, SC ST OBC MBC के लड़के अगर ऊपरी सीमा में छूट चाहते हैं IU की, तो उन्हें 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है, यानी 28 और 5 32 तक वो बंदा इसमें जा सकता है। लेकिन तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे वेटरनरी 2 ईयर डिप्लोमा के बारे में कि कौन सी यूनिवर्सिटी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है या कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें इस कोर्स को करवाती है। तो राजुवास बीकानेर जो पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी है वो इस कोर्स को करवाती है। अगली अगर हम दोस्तों पॉइंट की बात करें, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पॉइंट हो गए कि हम या तो हम एंट्रेंस एग्ज़ाम दें जेट का, और BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर इन फिशरी साइंस के लिए हम अप्लाई करें। उसके बाद दोस्तों, अगर अगली बात आती है तो हम वेटरनरी की तरफ जाएं। उसके बाद दोस्तों, जिन लोगों ने इस बार 12th किया है या जो लास्ट ईयर 12th करके निकले हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन ही मान लीजिए, क्योंकि 12th बेस के ऊपर गवर्नमेंट जो बहुत कम सीमित रह गई है, कांस्टेबल हो गई वो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आई थिंक ये 2 ही वैकेंसीज अब रही हैं जो 12th बेस पे, उसके अलावा सारी की सारी वैकेंसीज जो हैं वो आपकी 12th बेस के अलावा ग्रेजुएशन बेस पे जा चुकी है। अब दोस्तों,
सुपरवाइजर के बारे में हम बात करें कि सुपरवाइजर के लिए हमें क्या करना है, और जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया वो तो तैयारी करें, और जिन्होंने नहीं भरा है वो उनको हताश होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, वो भी कुछ हद तक थोड़ी आशा रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि ये एग्जामिनेशन कौन सी एजेंसी करवा रही है या एग्जामिनेशन संस्था कौन है, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB के नाम से जयपुर दुर्गापुरा में एक इंस्टीट्यूट है दोस्तों, जो अधीनस्थ कर्मचारियों का या अधीनस्थ सेवा में जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके एग्जामिनेशन एजेंसी या एग्जामिनेशन करवाता है। अब दोस्तों इसके बाद आए कि इसके एग्जामिनेशन के अगर लास्ट डेट की बात करें तो कब की जा चुकी है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो दोस्तों जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एग्जामिनेशन फिल हो चुके हैं, तो जिन लोगों ने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिए हैं उनको क्या करना चाहिए, वो अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें। भले वो किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, वो यूट्यूब के किसी स्पेशल प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग के प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, पर्टिकुलरली घर पे तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। करना क्या है, अपने टॉपिक टू द टॉपिक आपको नोट्स बनाने हैं, और हर पैराग्राफ या हर नोट्स के बाद में या हर टॉपिक के बाद में आपको कुछ लाइंस खाली छोड़नी है। क्या होता है दोस्तों कि हम जब एक बुक एक वीडियो या किसी एक चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमने महाराणा प्रताप को ही पढ़ लिया, हमने जब एक किसी वीडियो को देखा या हमने किसी एक बुक को देखा तो उसने 4-5 लाइनें महाराणा प्रताप के लिए दे रखी थी। अब दोस्तों होता क्या है कि एग्जामिनेशन ज्यों ज्यों टफ होने लगे हैं, ये पूछा जाने लगा, जाने वाले जो नॉर्मल क्वेश्चन थे, महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे, हल्दीघाटी युद्ध कहाँ हुआ था, ये जो अपर लेवल के क्वेश्चन है या बहुत ऊपर ऊपर के क्वेश्चन है वो पूछना, हालांकि पूछे जाते हैं लेकिन अब कम हो गए। एग्जामिनर अब 100 में से कम 15 क्वेश्चन इतने डीप ले जाके पूछता है, और उनमें से 5 तो इतने डीप होते हैं कि हेवी से हेवी तैयारी करने वाले बंदे की भी हवा नहीं लगती, उसको भी पता नहीं चलता है। आगे मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए मोटिवेशनल, कि किस तरह हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करें, उसमें हम और ज़्यादा बात करेंगे। तो यहाँ इतना ही कहना है, जिन्होंने भर दिया टू द पॉइंट अपने नोट्स बनाएं और अपने टॉपिकों को क्लियर करें। खाली जगह छोड़ने की बात क्यों थी दोस्तों, कि अगर आपने दूसरी जगह कहीं पढ़ा और आपको लगा कि हाँ महाराणा प्रताप के बारे में मुझे 2 लाइनें और मिली, अब आपने नहीं छोड़ रखा होगा तो क्या करोगे, आप हाशिए में इधर उधर कहीं भी लिखोगे, जिसका क्या है खराब इंप्रेशन आता है, और आप वापस जब पढ़ोगे तब आपके लिए वो लाभदायक नहीं होगा। अब दोस्तों ये वैकेंसी किसके लिए है उसकी बात करते हैं। दोस्तों ये वैकेंसी केवल और केवल एग्रीकल्चर बेस के लड़कों के लिए, या तो वो 12th एग्रीकल्चर हो सकता है या फिर वो BSc एग्रीकल्चर हो सकता है। अब इसमें कंफ्यूजन रखने की कोई बात नहीं है, अगर कोई बंदा बायो से भी है और उसने अगर BSc एग्रीकल्चर कर रखा है, 4-year BSc एग्रीकल्चर डिग्री कर रखी है, तो वो ये एग्ज़ाम दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बायो पास करने के बाद 12वीं वाला बंदा ये एग्जामिनेशन नहीं दे सकता, या BSc साइंस वाला बंदा ये एग्जामिनेशन या फॉर्म फिल नहीं कर सकता। अब दोस्तों उसके बाद बात आती है अगली, कि इसका एग्ज़ाम की हमने बात कर ली थी कि एग्ज़ाम जो है वो RSSB करवा रहा है। अब एग्ज़ाम डेट की बात, कोरोना काल चल रहा है दोस्तों, महामारी का वक्त है, कह तो नहीं सकते कि एग्जामिनेशन डेट कब आ जाएगी, लेकिन ज्यों ज्यों स्थितियां सुधर रही है, सारे विभाग या कार्मिक विभाग या RSMSSB बोर्ड या RSSSB जिसे कहा जाता है, बोर्ड वगैरह भी, ये भी हलचल में या अपनी हरकत में आए हैं। पिछले ही दिनों में एक पेपर कटिंग में पूछा गया है कि कुछ पद जो हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के, जिनको कार्मिक विभाग की स्वीकृति मिली हुई है, उन पदों को इसी भर्ती में मिलाने की बात चल रही है। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दिल लगा के पढ़िए, एग्ज़ाम डेट नियर ही आपके आने वाले भविष्य में ये बोर्ड डाल देगा। अब दोस्तों जो मैंने शुरुआत में बात की थी वो यहाँ मैं आपका क्लियरेंस करूँगा, कि क्यों मैंने कहा था कि जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे वो ज़्यादा हताश नहीं हो, थोड़ी सी आशा वो भी रख सकते हैं। किस तरह रख सकते हैं, 2 पॉइंट है दोस्तों। पहला, इस वैकेंसी का क्या EWS रिजर्वेशन के तहत ऑलमोस्ट जितनी भी भर्तियों के एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं उनके फॉर्म रीओपन होंगे दोस्तों, रीट हुआ या वो पटवारी वैकेंसीज में या वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी, इस तरह का पिछले दिनों पेपर में आया हुआ है कि अगर
EWS के तहत वापस फॉर्म रीओपन होते हैं तो वहाँ पे आपको वरीयता मिलेगी या आप वहाँ पे वो एग्जामिनेशन फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये देखना वहाँ पे ये है कि वो केवल EWS के लिए खोलते हैं या फिर सभी ऑल ओवर के लिए खोलते हैं। तो अगर वो ऑल ओवर के लिए खोलते हैं तो जो भी लोग एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाएँ उनको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, वो भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट मैं हताश नहीं होने के लिए क्यों कह रहा था कि इसी वर्ष आपके बजट में 1000 नवीन पद स्वीकृत होने की बात कही गई है और वो कहीं ना कहीं वो जो प्रोसेस है वो बहुत रैपिडली बहुत स्पीडली चल रहा है। तो आने वाले निकट भविष्य में एक वैकेंसी और आने की संभावना है। इस कारण मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी लोग इस साल तैयारी करके निकले हैं या ट्वेल्थ करके निकले हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हमें हमारी जो एज है वो परिपूर्ण नहीं हो रही है, हमारे 18 साल पूरे नहीं हो रहे, तो कोई बात नहीं, आप तैयारी कीजिए। आप तैयारी करेंगे तब तक वैकेंसी आ रही है, अगली भी आ सकती है, तो वहाँ पर आप एप्लीकेबल होंगे। अगर आपकी लंबी तैयारी होगी तो वहाँ उपयोग में आएगी। उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे थे, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सिलेबस क्या है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या केवल एग्रीकल्चर आती है, जीके भी आता है। तो दोस्तों तीन मेन पार्ट माने जाते हैं इसके, एग्रीकल्चर, जनरल नॉलेज या जिसे हम जीके कहते हैं, और हिंदी। अब जो वेटेज है 60% वेटेज या 60 जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्रीकल्चर से आते हैं, एग्रीकल्चर के तीनों सब्जेक्ट, सस्य विज्ञान 20 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर 20 क्वेश्चन और एनिमल हस्बेंड्री के 20 क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों जीके की बात आती है तो हिस्ट्री में बहुत कम जीके है और आपकी कला संस्कृति से मिलकर 25 क्वेश्चन का अटैचमेंट होता है और 15 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी से आते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि अगर आप इस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो एग्री एक्सपर्ट आसिन चैनल से मैं हर रोज़ पिछले कम से कम 10 या 15 दिनों से हर रोज़ किसी एक टॉपिक पे या ऐसा कोई टॉपिक जिनको जनरली डिस्कस नहीं किया जाता है वहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं, या ऐसे कोई टॉपिक जिनको छितरा हुआ पढ़ा जाता है उनको एक जगह पढ़ने की आवश्यकता है, एक जगह कंबाइन करने की आवश्यकता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो जो पिछले 5-7 एग्जामिनेशन जो मैं दे के आया हूँ, जहाँ से मुझे क्लियरेंस मिला है कि कहाँ बंदा कन्फ्यूज होता है, क्या दिक्कतें आती है, तो वहाँ से मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ। तो आप एग्री एक्सपर्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से डेली 7 बजे की जो क्लासेज हैं वो आप देखकर अपने जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के एक और सेक्टर्स खुलते हैं कि कई बार क्या होता है, लड़का एग्रीकल्चर ले तो लेता है, उसके बाद वो कहता है नहीं नहीं भैया, मेरा तो जो इच्छा है शक्ति है या जो मेरा जो आगे का मोटिव्स हैं वो मेरा इस फील्ड में नहीं है, मैं आर्मी सेक्टर जाना चाहता हूँ, जा सकता है। अपनी जहाँ की भी तैयारी करें, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं दिल लगा के तैयारी करें, ईमानदारी से तैयारी करें। उसके बाद बहुत सारी गर्ल्स या बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर हमें टीचिंग सेक्टर पर जाना है, क्या करना चाहिए। देखिए टीचिंग सेक्टर में दोस्तों जाना है तो मेरे हिसाब से जो मेरी सलाह है वो 2 सलाह हैं। आप बीए करके बीएड करेंगे या बीएससी करके बीएड करेंगे, इससे अच्छा है आप 4-year डिप्लोमा, जो कॉम्बिनेशन का डिप्लोमा है, कंबाइंड डिप्लोमा जो होता है उसमें आपका 1 साल बचता है, तो आप वो डिप्लोमा कीजिए जिसमें बीएससी प्लस बीएड 4 साल में हो जाती है। क्योंकि आप मान के चलिए 3 वर्ष बीएससी के और 2 वर्ष आपके बीएड के, 1 साल आपका पूरा पूरा बच रहा है। तो अगर आप बीएड करने की तरफ हैं तो आपको बीएससी प्लस बीएड या बीए प्लस बीएड के जो कंबाइन कोर्सेज चल रहे हैं वहाँ जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक ओनली 12th बेस पे टीचिंग के जो लेवल्स होते हैं उस लेवल में एक बीएसटीसी कोर्स या डिप्लोमा होता है, वहाँ से भी आप 12th प्लस बीएसटीसी के बेस पे आप टीचिंग जॉब के लिए अलाउ होते हैं, रीट के लिए अलाउ होते हैं। तो दोस्तों बीएसटीसी की अगर हम बात करें तो जो लोग बीएसटीसी के एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं वो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों 9 जून 2021, यानी आज ही इसके फॉर्म चालू हो रहे हैं और आप यहां से फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों इसके फॉर्म भरने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमें क्या करना है। एक तो दोस्तों हम क्या गलती करते हैं कि आज डेट खुली है 9 जून को, अब अगली डेट खुलेगी 10, लास्ट जो डेट है वो 10 जुलाई है, तो आप क्या हरकत में आएंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है भर लेंगे।
ऐसी स्थितियों में क्या होता है, जब आपको पता चलता है तब 7 या 8 तारीख हो चुकी होती है और 8 तारीख को आप फॉर्म भरते हैं, बाय डिफॉल्ट या बाय मिस्टेक आपने कुछ ऐसी गलती कर दी, तो आपके पास वापस कोई टाइम नहीं होता है उसको करेक्ट करने का या उसको वापस भरने का। तो इनिशियली लेवल पे जाएं, 9 को ना सही 10 को ना सही 15 तक जाएं, आप उस फॉर्म को फिल करवाएं और आप जो लास्ट टाइम की जो हड़बड़ी होती है वहाँ से बचें। अब दोस्तों कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर करनी है कि फ़ीस जो इस बार रखी है इन्होंने वो 450 रुपये के समथिंग रखी है। ज़्यादा जो है आपका जो प्री डिलेड की जो वेबसाइट है वहाँ से आप जाके कंफर्म कर सकते हैं, तो ये चीज़ तो वहाँ से कंफर्मेशन हो जाएगी। हालांकि जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ पे 450 रुपये फ़ीस उन्होंने शो की है। अब दोस्तों 12th के बेस पे कुछ चीज़ें होती है या कुछ मापदंड हैं इस एग्जामिनेशन के कि उससे बिलो मार्क्स वाले बंदे इस एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं भर सकते। तो अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड यूआर का जो मतलब है दोस्तों यहाँ पे, वो अनरिजर्व्ड यानी सामान्य जो किसी भी कैटेगरीज में नहीं आ रहे हैं वो अनरिजर्व्ड, उनके लिए 50% मार्क्स होना अनिवार्य है आपके 12th में। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद जो जितने भी हैं वो एससी एसटी ओबीसी या एमबीसी हो गए, वो सारे के सारे आप 45% आपको आवश्यक है। अब गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स को भी 45% आवश्यकता होती है। और अगर इसकी बात करें दोस्तों कि कौन इसका फॉर्म भर सकता है या कौन एग्ज़ाम दे सकता है, तो लगभग सभी स्ट्रीम वाले बंदे इसमें एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब दोस्तों इसकी एक मुख्य जो बात है कि आप जरा सी थोड़ी तैयारी कीजिए, आपका क्या है इसमें माइनस मार्किंग का चांस नहीं है। आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको जितने आते हैं उतने भी करिए, और अगर नहीं भी आते हैं तो आप उनको कर सकते हैं, मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नकारात्मक अंकन की जो क्रिया होती है वो यहाँ पे अभी तक तो नहीं होती है। इसलिए दोस्तों ये जो सेक्टर है ये भी एग्रीकल्चर या कोई भी स्ट्रीम वाला बंदा यहाँ पर जा सकता है। अगर दोस्तों एसटीसी के संबंधित कोई और जानकारी आपको देखनी हो तो www.pre-dla.com पर जाकर आप यहां से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्लीट जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का जो वीडियो है, 12th के बाद जो चौराहा आ जाता है वहां से कहां जाएं के लिए। और उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस संदर्भ में अगर आप बैठ के इस वीडियो को पूरा देखेंगे और बाद में एक चिंतन करेंगे, एक सोच विचार करेंगे, तो आपको एक रास्ता ज़रूर मिलेगा कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, मेरी रुचि कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एग्रीकल्चर के किसी टॉपिक के कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।